जिंदगी कैसी अजीब सी हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज़्यादा जरूरी हो गया है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। आपको गलतियाँ उतना कमजोर नहीं करती जितना गलत फहमियाँ कमजोर कर देती है। किसी के कोसने से या बुरा सोचने से कभी बुरा नहीं होता, होता वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोच रखा है। अर्जुन युधिष्ठिर भीम न जाने कितने समा गए इतिहास में, पर शकुनी वाले पासे आज भी है कुछ लोगों के पास में। बहुत कुछ देती है ये जिंदगी, किसी पर यकीन करो तो धोखा और ना करो तो अकेलापन मिलता है। इस दुनिया में वो ही इंसान सबसे ज़्यादा मजबूत है जिसका हृदय भी टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे सब ठीक है। मेरे भाई, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका समझो वही जिंदा है। जो रिश्ते गहरे होते हैं वो कभी अपनेपन का शोर नहीं मचाते। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। कुछ वक्त खामोश होकर भी देख लिया हमने, फिर मालूम हुआ कि लोग सच में भूल जाते हैं। बड़ा आदमी वह है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस ना होने दे। ऐसा तो सिर्फ जीने के लिए होता है, हंसने के लिए तो हमेशा अपनों की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी किसी की बातें हमें चुभ जाती है, कभी कभी किसी का लहजा हमें मार देता है। ये जिंदगी है दोस्तों, यहाँ इंसान गैरों से नहीं अपनों से ही हार जाता है। अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने के बाद ही समझ आती है। अगर आप अपनी जिंदगी खुद के तरीके से नहीं जियोगे तो लोग अपने तरीके से तुम्हें जिंदगी जीने पर मजबूर कर देंगे। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती है, बेमतलब की बातें जिससे हो वही सबसे खास होता है। उम्मीद कभी मत छोड़ना, ऊपर वाले वहाँ से भी रास्ता निकाल लेते हैं जहाँ से कोई रास्ता निकलने की उम्मीद नहीं होती है। जिंदगी एक परीक्षा है और काफ़ी लोग इसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोग दूसरों की नकल करते हैं। वो नहीं समझ पाते कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। बार बार किसी से उसका वक्त मांगने से बेहतर है अकेले जीना सीख लो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। श्रेय मिले अथवा न मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद न करें। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से बेहतर होती है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है, लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं लेकिन गहराई कोई देखता ही नहीं। बड़े महंगे किरदार है जिंदगी में जनाब, वक्त वक्त पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। अपने कदमों की रफ्तार को इतना बढ़ा लो कि तुम्हें रोकने वाले घटिया लोगों की सोच बहुत पीछे छूट जाए। बड़ी बड़ी पार्टियों में जिनको गरीब समझकर बुलाया नहीं जाता, वही लोग अक्सर अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुँचते हैं। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेते हैं उनके दुख की उम्र बहुत लंबी होती है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। ये कलयुग है दोस्तों, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी होते हैं। मेहनत करते रहिए, एक दिन ऐसा वक्त जरूर आएगा कि आप अपने मुश्किल वक्त के बारे में खुश होकर के बताएंगे। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। संसार की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती है, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। हालात वो ना होने दे कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला वो रखे कि हालात बदल जाए। ये चार लाइनें हर एक महिला को समर्पित,
दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई।